अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पीके गेमिंग जोन यूट्यूब चैनल। सो हम खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 गेम, और ये इस गेम प्ले की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 2 है। हमारा जो फर्स्ट फेज जो स्टार्ट था वो क्वाइट बैड था, मतलब वर्स्ट एवर स्टार्ट था, जिसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्टीज हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका था। तो हर एनीवेज मैंने कुछ थोड़ा सा ऑफलाइन भी गेम को खेला है। तो हर एनीवेज हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और आज के हमारे गोल जो हैं वो ये है कि हमने $1 मिलियन करने हैं, और उसके अलावा हमारे जो कुछ स्किल पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हमने अपनी स्किल्स को भी अनलॉक करना है। सो इसमें हम जल्दी जल्दी गाड़ियाँ खरीदेंगे और बेचेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने स्किल पॉइंट्स को एनहेंस करके बेटर बार्गेन और हैप्पी कस्टमर्स तक जा सकें। अभी बाकी जो स्किल्स हैं दूसरी, जैसे कार वॉश वगैरह की, वो मैं अभी नहीं एक्टिवेट करूंगा, वो बाद में हम एक्टिवेट करेंगे। सो अब हम अपने कंटेनर में हैं, और हमारे पास हैं $33,422, और हमारे पास अब डे 14 तक हम ये गेम खेलेंगे, और संडे 7 तक हमने खेला है, मतलब 7 डेज हमने गेम खेली है। सो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है डे 8। सो हमने $17,255 की एक गाड़ी ली थी आई थिंक, और उसको सेंड किया था हमने ऑफिस में, पहले चल के देखते हैं, उसको हमने सेंड किया था रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो रिपेयरिंग की इसको ज़रूरत नहीं थी, हमने मार्केट से जो गाड़ी खरीदी थी। और ये थोड़ा सा ऑफिस को मैंने डेकोरेट भी किया, ये ऑफलाइन थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया। तो यहाँ पर गाड़ी हमारे पास ये वाली गाड़ी है हमारी जो हमने ख़रीदी थी, ये ये वाली डैमेज थी, BM Series 5। चलो इसको रिपेयर करा लेते हैं, और मीन टाइम हमारे पास अनलॉक है ये वाली स्किल भी, क्लीनिंग वाली, तो इसे थोड़ा सा इसको साफ करके एक्सपी लेते हैं। वैसे मुझे चाहिए था कि जितनी देर में ये गाड़ी रिपेयर होती है मैं चलता हूँ मार्केट प्लेस, सॉरी मार्केट प्लेस तो आज ओपन नहीं है, मैं चलता हूँ नेबरहुड में और वहाँ से एक दो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद के लाता हूँ, क्योंकि मुझे करने हैं $1 मिलियन, और उसके अलावा अपनी स्किल्स को भी अनलॉक करना है। तो जल्दी से देखते हैं कोई गाड़ी रीजनेबल प्राइस में। ये BMW कूप आई थिंक, नहीं, और ये RDS4 है, शेवरलेट कोबाल्ट में ये मिल जाए 7,000 में, तो ये मुझे दे दो 6,850 में, इतने में तो दे दें, नहीं 6,900 में, 7,500 में ले दो, चलो इतनी तो बनती है ना बार्गेनिंग, या यू गॉट अ ग्रेट, तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। तो देखते हैं कि जी इसको डैमेज कितना है, 43% डैमेज है यार। इसको इधर भेज देते हैं, अभी मेरे पास $24,000 हैं, तो एक गाड़ी हम और ले सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी डे 14 तक हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लें। RDS 5 भी मिल जाएगी, ये भी ठीक है, ये 16,000 की मिल जाए, ओ नहीं 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 भाई, नहीं बारगेन, तो इसको मैं देता हूँ पूरे 15,500। जब बेटर बार्गेन 2 हो जाएगा तो उसके बाद और ज़्यादा हम इसको डिस्काउंट, ठीक है मिल गई। अब चूंकि मेरे पास ओपन नहीं है, ओह माय गॉड गुड कार, ये अच्छी मिल गई, तो चलो बैठ के चलते हैं, हमारा एक स्किल पॉइंट भी अनलॉक हो गया। ओ टक्कर होने वाले थे एनीवेज। शिट, मैं कह रहा था टक्कर होने वाली थी और टक्कर हो गई। यहां से सीधे हम चलते हैं, ये शॉर्टकट है, ये हमारे पास गैरेज है, तो चलो इसको भी अब रिपेयर कराएंगे, और जो दो गाड़ियां खड़ी हैं ऑलरेडी उनको भी रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद एक मुझे टो वाला खरीदना भी पड़ेगा, ताकि मैं जो ना उसको टो भी करके लेके जा सकूं, गाड़ी को यहाँ पे डायरेक्ट टो पे बेच सकूं। इसको पेंट की जरूरत है, हाँ 13% पेंट की भी जरूरत है, इसको रिपेयर तो हो गया। ये गाड़ी है बड़ी मस्त गाड़ी है, ये बहुत पिकअप है इसकी, देखें Bye.
11:30 हो गया और अभी तक मैंने कोई गाड़ी सेल नहीं की, लगता है आज का दिन भी मेरा ऐसे ही गुजरेगा। ओके, पार्ट्स को सिर्फ हमने करना है। एग्जिट उठते हैं अभी, इसको रिपेयरिंग पे लगाना है। चलो इसको भी मैं दे आता हूँ कि रिपेयरिंग पे लगाओ इसको। चलो इतने में इस गाड़ी को हम सेल पे लगाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी है तो ठीक है। और स्किल पॉइंट की मदद से बेटर बार्गेन का जो फीचर है वो भी अनलॉक करते हैं, ताकि हम बेहतर बार। तो ऑफिस मेरा अभी कैसा लग रहा है? मैंने साइडों पे वो खरीद के लगा दी थी घास वगैरह, तो फूल वगैरह लगा दिए, रेड कारपेट लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दी, तो काफ़ी खूबसूरत हो गया। हालांकि छोटा है अभी ऑफिस, अभी छोटा है, तो इसके अलावा हमने अभी ऑफिस खोलना नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस गाड़ी को लगा दूं पहले। अच्छा, अब ये ख़रीदी है मैंने 10,500 की, और 1300 रुपये उस पर लगा दिए, $1,300, तो ये मैं बेचूंगा 16,500 की, ठीक है ना। और चलो अब दूसरी दो गाड़ियों को भी लेकर आते हैं, एक बच गया, दोनों गाड़ियां रिपेयर हो गई हैं, इनमें देखता हूँ कलर भी करवाना होगा। वैसे मेरे ख्याल में जब आप गेम स्टार्ट करो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये रिपेयरिंग वगैरह के चक्करों में। ओके, इसको पेंट कराना है, हाँ इसको पेंट कराते हैं, तो इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं। बस गाड़ी लो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो, बेच दो, डैमेज है, पेंट है, डोंट केयर। इंजन बंद, वैसे इसमें ऑटोमेटिक इंजन बंद होने का ऑप्शन होना चाहिए, जैसे इंजन स्टार्ट होने का ऑटोमेटिक ऑप्शन है ना, कि जैसे आप इसमें सेटिंग है कि आप जैसे ही गाड़ी में बैठे तो इंजन ऑटो स्टार्ट हो जाता है, आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से ऑटो ऑफ का भी फीचर होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है गेम प्ले वालों से। वैसे उनका डिस्कॉर्ड भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला फीचर ऐड करें कि अगर ऑटो इग्निशन ऑफ हो जाए जैसे आप गाड़ी से नीचे उतरें। ये बंद किया और बाहर आए, इसको भी सेल पे लगाते हैं, फिर तीसरी गाड़ी भी लेकर आते हैं। ये ख़रीदी है मैंने 7,500 की, इसको मैं 13,800 की बेचूंगा, ठीक है। उस गाड़ी को भी लेकर आते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, उसको ला के इसको रिपेयर करा लिया, पेंट शेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। $7,000-8,000 है हमारे पास, और जो टो है वो मेरे ख्याल में $1,500 की है, एक 2500 की है, देखते हैं। चलो अब गाड़ियां सेल पे लगा के ऑफिस ओपन करते हैं। ओके, तो ये ऑडी S5 मैंने ली 15,500 की, $51 पे लगाए, तो मैं इसको 19,500 की बेचूंगा। ओके, अब ऑफिस ओपन करते हैं। चलो जी, इसके बाद गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा साफ भी करते हैं, ताकि कुछ अच्छा एक्सपी पहले मैं ये अनलॉक कर लूँ, बेटर बार्गेन टू अनलॉक। अब हैप्पी कस्टमर के लिए भी एक स्किल चाहिए होगी मुझे, एक्सपी एक और एक्सपीरियंस अनलॉक करने के लिए। 3:30 हो गए हैं, लेट्स होप कि आज हम कुछ पैसे बना लें। $1,000,000 7 दिनों में, क्या मैं ये कर पाऊंगा? कस्टमर आ चुके ऑफिस में, कौन? अच्छा, इसी गाड़ी का कस्टमर, दो कस्टमर में हल आ चुके हैं। ओके जी, 19,500, आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग। ओके जी, ग्रेट, देखा मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस लगाई थी, उसने उसी प्राइस में ले ली। हमारे पास 23,000 हो चुके हैं, खैर मुझे थोड़ी महंगी लगानी चाहिए थी। कस्टमर किधर है? वो कह रहा कस्टमर इज इन द ऑफिस, लेकिन यहाँ पे तो कोई कस्टमर नहीं है। 5 बज गए, 2 घंटे, 8 बजे ऑफिस क्लोज होता है। सुबह मैं आई विल प्रे के सुबह जो है वो
मार्केट ओपन हो ताकि मैं गाड़ियां खरीद सकूं। एक कस्टमर आया, होपफुली ये भी इतने में ही ले लेगा। दो सर भी कस्टमर आ गया, BMW सीरीज 5 है, आई थिंक ले लेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग दिस प्राइस। तो कैसी है मेरी स्किल्स, बार्गेनिंग स्किल्स? अब मैंने बेटर बार्गेन टू ओपन किया, इसका मतलब है कि अब मैं और ज़्यादा महंगी बेच सकता हूँ और ज़्यादा सस्ती खरीद के। सो लेट्स सी। अच्छा मैं वो देख लूँ उसकी प्राइस कितनी है, वो जो टो है अपग्रेड पे होगा, टो पे ये 2500 ले लेते हैं। ये वाला भी ले लें, एक बहुत। अभी तीन गाड़ियाँ मैं बेच सकता हूँ, एक गाड़ी मैं चला के लाऊंगा तो चार गाड़ियाँ मैं ले सकता हूँ। ओके 6 बज गए हैं, आ जाए यार एक कस्टमर, गाड़ी बिक जाए तो थोड़ा प्रॉफिट। तो मैंने बिल्कुल रीजनेबल साफ सुथरी गाड़ी है यार, आ जाओ आ जाओ। ऑफिस इज डर्टी। वो आ गया कस्टमर, आ गया कस्टमर, वापस चलो अभी है वैसे टाइम। होपफुली ये इतने ही पैसे दे देगा, 13,800 मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस लगाई है भाई, इससे मैं कम नहीं करूँगा यार। 11,500, अच्छा हाँ ना 8-9, चलो इसको 12,000 की दे देते हैं। मैं कह ले जो 12,500 की, बिक गए। अब हमारे पास टाइम नहीं है, चले सोते हैं चल के। सुबह अब जो है ना कंटेनर में चलते हैं, अब सुबह हम जो देखेंगे कि क्या कौन सी जो है ना वो हमने गाड़ी खरीदनी। आधा घंटा पहले आ गया हूँ मैं, क्योंकि जाहिर बात है। तो डे नाइन, सो आज मार्केट प्लेस ओपन है, सो लेट्स गो टू द मार्केट, क्योंकि मैंने गाड़ियां तो सारी बेच दी, मेरे पास गाड़ी कोई भी नहीं है। ओके सो लैम्बो तो मैं नहीं खरीद सकता, आई हैव ये खरीद सकता हूँ कूप आई थिंक, टोयोटा एवरॉन, हाँ ये मैं ले सकता हूँ, 38,000 की है। अब डैमेज ना हो, बेटर बार्गेन ऑप्शन ओपन है ना, तो मैं इसको ऑफर करता हूँ 32,000, 32,000 में दे देगा ये IEEE, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं इसमें डैमेज वगैरह कितनी है, काफ़ी डैमेज है, तो खैर उसको रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं। अब हमारे पास $21,000। ओए यार सुपरा, ये वैसे ये भी इतने की 73,000 की है, ये नहीं मैं भी, ये भी नहीं खरीद सकता। ये Z3 है, ये ले सकता हूँ मेरे ख्याल में, ये Z3A है, ये मैं ले सकता हूँ 24 में है ना, 19,500 में। देखता हूँ, मुझे ये पीछे नज़र ही नहीं आ रही अमाउंट, 20,000 नहीं यार, ये क्या सीम बिट है, ओह दे दी उसने। ओके तो इसको पहले चेक करते हैं कितनी डैमेज है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, चलो इसी में बैठ के चलते हैं। सो दो गाड़ियां हमने खरीदी हैं, इनको हम बेटर प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि अब बेटर बार्गेन टू हमारे पास एक्टिवेटेड है। ओके इसको लिस्ट करते हैं ताकि इतनी देर में, जितनी देर में मैं उसको रिपेयर करा के लाऊं जो है ना वो, अब ये मैं 45,000 की बेचूंगा, तीन डबल प्राइस, होपफुली बार्गेन करके मैं इसको अच्छी कीमत में बेच पाऊँ। आज हमने हर हाल में दो गाड़ियां और लेकर आनी हैं, दो को बेच के, ताकि हमारे पास हमारा जो टारगेट है ना वो अचीव हो सके, $500। जब तक कस्टमर नहीं आता मैं इसको साथ साथ साफ भी करता हूँ, ताकि कुछ और एक्सपीरियंस मिल जाए। ओके स्किल पॉइंट हो गया अनलॉक, अब मैं हैप्पी कस्टमर वाला जो बार्गेन है वो एक्टिवेट करूंगा, ताकि मेरे से क्लाइंट जो है ना खुश खुश जाएं, कस्टमर जो मेरे हैं। ओके रिपेयर हो गया, ओके इतनी देर में कस्टमर भी आ गए, तो देखते हैं इसको पेंट भी करवाना है मेरे ख्याल में, 12% था पेंट इसका।
ओके यार जल्दी से इसको पेंट कर दो। देखा थोड़ा सीधा इसको पार्क करते हैं। पहले इस क्लाइंट के साथ बात करते हैं फिर। ओ ओके जी BMW Z3 A45000 की मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस लगाई है 24,000। अरे नहीं इतनी देर में मैं स्किल ज़रा अनलॉक कर लूँ अपनी ये हैप्पी कस्टमर वाली। ओके तो ये सारी हमारी स्किल्स अनलॉक हो चुकी हैं। ओके 24 मुझे ऑफ़र हो चुकी है। मैं देखता हूँ ये कितनी ऑफ़र करती है। 27 ओके गुड। इसको मैं 32,500 की चिपका देता हूँ क्योंकि ये प्राइस रीजनेबल है। यस ओके इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। जल्दी से आ जाओ यार इसको भी बेचूं फिर जाके दो गाड़ियां तीन गाड़ियां जितनी मिलती हैं। और वैसे तो वो लंबो वहां पे खड़ी है लेकिन वो अभी मैं नहीं खरीद सकता। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में सुपर कार्स खरीदेंगे क्योंकि $1 million तो हो ही जाएगा इस एपिसोड में। आज मार्केट ओपन है तो कल हो सकता है ऑक्शन ओपन हो तो ऑक्शन में तो अभी नहीं मैं जाऊँगा। ऑक्शन में भी जब बंदा जाए जब एटलीस्ट $1 million तो हो जेब में। कार इज नाउ क्लीन। चलो यार ओ शिट मैंने इसको लगाया ही नहीं है। ओ शिट और इसको मैं बचूंगा 55,000 में। मैंने लगाया ही नहीं मैं वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। शिट यार आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम सॉरी। चलो कोई बात नहीं होता है। इतनी देर में मैं जरा जंक देखूं कोई जंक तो नहीं है वहां पड़ा हुआ है। कस्टमर आता तो वो थोड़ी देर खड़ा भी रह लेगा। जल्दी आ यार मैं बेच के फिर जाऊं लेने नेक्स्ट गाड़ी। कोई भी जंक नहीं पड़ा हुआ लगता है ये स्मार्ट हो गया अब सफाई सफुई का खुद ही ख्याल रखता है। चलो 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 दो बज गए। आ गया कस्टमर। देखा मैं आ रहा था मुझे नजर आ गया। बस बिक जाए ना ये 2 लाख 50,000 तक बिक जाए ना। 55 मैंने लगाई है 57% में फ्यूल पड़ा हुआ है 45 हाँ देखा 50 की तो बिक ही जाएगी। सो 50,000 में इसको ऑफर करता हूँ। ये चीज $83,000 कार मार्केट। अब मैं ले सकता हूँ सुप्रा मेरी फर्स्ट एक्सपेंसिव कार टोयोटा सुप्रा। किधर खड़ी थी ये खड़ी है अब मैं ये ले सकता हूँ। हाँ भाई कितने में दोगे 73,000 में। मैं इसको खरीदना चाहूँगा 65,000 में। यस मिल गई मेरी फर्स्ट सुपर कार ही कहेंगे। चलो इसको ना रिपेयरिंग में भेज देते हैं। और मेरे पास कितने 18,000 तो 18,000 में मुझे आई थिंक एक और गाड़ी मिल ही जाएगी। ऑडी Q7 मिल जानी चाहिए 9,000। देखा ये मैं खरीदूंगा 7,777 rupees की। चलो 8 ले लो यार 8,000 हाँ ठीक है। तो ये मुझे मिल गई। ये कितनी डैमेज ओ यस कोई डैमेज नहीं है इसको टो कर देते हैं। 10,000 हैं अभी भी एक गाड़ी मैं और नहीं। ये तो मुश्किल है ये तो बहुत महंगी गाड़ी है। ये तो देखना भी नहीं है सर ये भी महंगी है। ये ट्रक देखा जा सकता है आई थिंक ये 12-13,000 डॉलर का होगा। 20,000 नहीं इतनी तो वो डिस्काउंट नहीं देंगे। वो गाड़ी मुझे लग रहा है ये ऑडी है ये मैं खरीद सकता हूँ। ऑडी हैचबैक ये मिल जाएगी 19,000 नहीं ये भी नहीं मिलेगी। ये भी ये देखते हैं ये BMW सीरीज वन ये पुरानी गाड़ी है 2007 मॉडल 9,000 हाँ ये ठीक है। तो ये मैं इसको बताता हूँ 7,500 की। 8,000 की क्योंकि मैंने रिपेयर भी तो करानी है ना गाड़ी यार।
चलो इसको चेक करते हैं, ये भी डैमेज नहीं है लेकिन इसको हम भेज देते हैं उधर। अब चलते हैं इनको लगाते हैं जल्दी जल्दी सेलिंग के लिए और फिर जाके सोते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को मैं ऑफिस के अंदर खड़ी करता हूँ। ओके, अब मैं दूसरी दोनों गाड़ियों, एक मेरे ख्याल में रिपेयर्ड है, एक को रिपेयर करवाना है। कौन सी वाली रिपेयर्ड है? आई थिंक ये वाली रिपेयर्ड है। हाँ देखा, देर इज नो प्रॉब्लम इन द कार, लेकिन इसको पेंट की जरूरत है? नहीं, पेंट की भी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं टो कर देता हूँ उधर, भेज देता हूँ और इसको रिपेयर करवा लेता हूँ सुपरा को $460 में। चलो इसको रिपेयर करो, इतनी देर में मैं उन दोनों गाड़ियों को लगाता हूँ एंड साथ उसको उनको साफ करता हूँ, क्योंकि 5:30 हो गए हैं, 7 बजे तक 8 बजे तक होपफुली मैं इनको बेच दूंगा और फिर हम नेक्स्ट जो है वो मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे 10वां दिन। ऑफिस को थोड़ा सा खूबसूरत बनाया है ताकि लोग आए उनको अच्छा लगे। इनको मैं अभी लगाता हूँ रिपेयरिंग पे, सॉरी सेल पे। ओके, तो लेट्स सी। ये नहीं, अभी इसको लगाना है ऑडी क्यू 7। ये 8,000 की मैंने खरीदी है तो 19,500 लगाऊंगा मैं इसकी कीमत, क्योंकि फिर बार्गेन कर सकता हूँ मैं। ये मैंने 8,000 की खरीदी है, ये 18,500 की लगाऊंगा। ओके, पुट इट ऑन सेल और इतनी देर में होपफुली वो गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है। इसको पेंट कराते हैं जल्दी से। सुपरा ये कल मैं बेचूंगा और अच्छी प्राइस में बिकेगी, इसको पेंट की भी जरूरत है। कस्टमर भी आ गया, चलो इसके पार्ट्स हैं वो सेल करके दो, बाकी मैंने कुछ नहीं करवाना। सो डे 9 है तो मैं डे 14 तक खेलूंगा ये गेम। जब डे 14 की रात होगी तो मैं जाके फिर इसको वहीं पे गेम को सेव कर दूंगा। चलो पहले इनको डील कर लें। हाँ भाई, BMW लेनी है, $18,500 की, 8,000 की मैंने खरीदी है, 13,000। ओके, 16,500 दे दो। चलो 15,000 दे दो यार, हाफ इतना बनता है। ठीक है, जल्दी 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 सुपरा, अब मेरे ख्याल में काली बिकेगी 19,500। 10,000 नहीं यार, नहीं, इतने में तो नहीं सेल करने। 7 बजे से चलो रात भी होगी है, अब एक कस्टमर अगर और आ जाए ना इतनी देर में तो उसके साथ डील कर लेंगे, वरना फिर गाड़ी को साफ करके जाएंगे घर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डे 10। आज वेनसडे है और आज ऑक्शन ओपन है, लेकिन ऑक्शन में जाने का फायदा कोई नहीं, ऐसा ही नहीं है इतना, क्या करेंगे ऑक्शन में जाके। जल्दी से इस गाड़ी को लगाते हैं सेल पे, सुपरा को भी, और सुपरा को तो मैं $1,00,000 में बेचूंगा, $1,25,000 में, पुट इट ऑन सेल। और इतनी देर में ऑफिस की फिर सफाई सफाई करते हैं और गाड़ियों को भी साफ करते हैं ताकि कुछ एक्सपी भी मिले। ओके, तो कस्टमर आ चुका है, इसके साथ डील करते हैं सुपरा की। 1,25,000 मैंने बिल्कुल रीजनेबल लगाई है, 97 97। कोई और तो नहीं कस्टमर इसका? हाँ एक ये भी है,
इससे भी देखते हैं ये कितनी ऑफर लगाता है। वो 97 लगा रही है, 88। तुम तो चलो ना यार यहाँ से। हाँ जी, ये किस किस क्लाइंट, अच्छा इससे भी पता कर लेते हैं। ये भी सुप्रा लेने आई है, 97 प्राइस लग चुकी है। बताओ कितने दोगे आप? 88। नहीं, ओके, इसके साथ बात बन सकती है। इसको मैं 1,10,000 की बेचता हूँ। 1,00,000 पहले, 15,000 कहते हैं ना। 1,10,000 आई एम थिंकिंग, ओके 1,10,000 की बिक गई है गाड़ी। चलो अब इसको साफ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमें स्किल पॉइंट्स भी, एक्सपीरियंस मिले और हमारे पास स्किल पॉइंट्स भी अनलॉक हो। ओके कस्टमर आ गया इसका। किधर है कस्टमर? यार एक तो इस गेम में ग्लिच और बहुत ज्यादा ग्लिचेस है। अच्छा इधर खड़ा है। दो कस्टमर आ चुके हैं, पहले अंकल जी आए हैं, उनसे बात करते हैं इनसे। हाँ जी, RDQ7 है, 19,500 है, कोई डैमेज नहीं, कोई पेंटेड नहीं है। 11,000? नहीं यार इतने कम तो ना लगाओ, कुछ खुदा का खौफ करो। 3,000 का प्रॉफिट सिर्फ? नहीं इतने की नहीं मैंने बेचनी। अब मेरे पास 1,27,000 है, तो मैं एक और सुपर कार इसको बेचने के बाद खरीद सकता हूँ। तो इसको जल्दी से बेच के मैं नेबरहुड में जाऊंगा और नेबरहुड से फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा। ओके या पहले जाके नेबरहुड से गाड़ी खरीद लाए। खरीद लाते हैं नेबरहुड से, पैसे काफी हैं मेरे पास अभी। नहीं ये गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ये होंडा सिविक है मेरे ख्याल में, शेवरलेट कोबाल्ट, अच्छी गाड़ी है ये भी। बार्गेन करेंगे 8,500 में। कंग्रेचुलेशन, ओके स्टेटस वेरी गुड, गाड़ी अच्छी है। और देखते हैं कोई इस रोड पे अच्छी गाड़ी है, मेरी नज़र में तो कोई नहीं। वापस चलते हैं, एक गाड़ी बहुत है ये। चलो आ गए क्लाइंट भी, पहले इसको लगाते हैं ना ऑफिस में। तीन कस्टमर आए खड़े हैं इसके, 19,500, 11,960, मतलब 12,000 दे रही है। तो अगर मैं इसको 15,000 बोलूं तो ये दे देगी 15,000, 14,500। नहीं ये दो अंकल आए हैं सेम, अरे नहीं इतने में तो नहीं देने ना, प्राइस ही गलत लगाई है। एटलीस्ट 11, चलो चलो प्राइस तो यार रीजनेबल लगाओ ना, 12,000 लगाओ। 10,000? नहीं यार उसको भी लगाते हैं सेल पे। शेवरलेट 9,000 की खरीदी है, 16,500 की बेचेंगे इसको। इतने में इसको साफ भी करते हैं। वैसे मेरे पास $1,00,000 है, मैं आज ऑक्शन में भी जा सकता हूँ, और अगर 3 बजे से पहले पहले ये दोनों गाड़ियां बिक जाए ना। कस्टमर तो आ गए, वाइब भी हो गया। ये इसमें कोई ग्लिच है या मेरे ख्याल में, इधर है कस्टमर, ये आ रहा है। वो देखो कस्टमर इधर से गायब हो गया एकदम से। ये भी इसमें है ग्लिच,
मे भी गाड़ी में ज्यादा जब करीब अरे नहीं यार बार्गेन 12,000 की ले जाओ, मैंने अब जाने ऑक्शन में, इतने की मैं कम दे रहा हूँ। अरे नहीं यार इससे कम नहीं देने। अरे ये लेडीज भी खड़ी हैं, अच्छी ऑफर लगाना 11-10 हज़ार से ऊपर ऊपर। नहीं दो बज गए हैं, चलो ऐसे ही चलते हैं। दो बजे 34 मिनट हो गए हैं, तो ऑक्शन में चलते हैं, देखते हैं हो सकता है कोई रिजनेबल साफ सुथरी गाड़ी मिल जाए 1 लाख की रेंज में। चारों तो नहीं मैं खरीद सकूंगा अगर हल्की ना हुई तो, मतलब हल्की से मुराद हल्की से मुराद ये है कि जरा सस्ती वाली। ओके लेट्स सी पहली गाड़ी कौन सी है। हाँ टोयोटा अब्राउन उंडा फंडा। हाँ ये अच्छी गाड़ी है, 19,000 की, ये मेरे ख्याल में 30-32 हज़ार की होनी चाहिए, इसको मैं खरीदूंगा। तीस तक या 25-30 के दरमियान में होनी चाहिए। हाँ 25,163 हो गए इस पे, वही मैं कह रहा था 25। ये भी अच्छी गाड़ी है, BMW है, NG5। हाँ ये 35-40 की होगी, 35-40 के रेंज में। 36,000 की है तो ये जानी चाहिए 45 से 50 के दरमियान। चलो अब यहाँ से ये रेंज है इसकी 48, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी कीमत, 49, 50 से बढ़ गई, 51 हो गई है, मैंने ही 51 लगाई है। अरे ये तो बहुत ऊपर जा रही है, 53। वैसे NG5 अच्छी बिक जाती है, हालांकि ये डैमेज भी है और पेंटेड भी है, लेकिन अच्छी बिक जाती है। अब मेरे पास 38 ये भी मिल जाएगी, Z3 है, Fiat 500 मिनी, ये भी ले लेते हैं। मिल जाएगी 15,000-20,000 के दरमियान, नहीं 13-14 हज़ार की मिल गई है। ये तो नहीं मिलेगी, ये है शेवलेट शेवल, ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, ये 60,000 से स्टार्ट हो रही है, मैं इसमें बैठने का फायदा करूंगी। मैं साफ कर लूँ सैंडविचेस, अच्छा पैसे भी लगाए हुए उनके, गाड़ियां यहाँ पे आके खड़ी होंगी ना तो मैं उनको फिर उठा लूंगा। फिलहाल ऑफिस ओपन करते हैं जाके। हाँ आ गई है, सो जो रिपेयर होने वाली है वो रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं और जो ठीक है उनको हम भेज देते हैं मैं टोटे। सो ये जो है ये रिपेयर होने के लिए है, तो इसको रिपेयरिंग, NG5 भी आई थिंक रिपेयर होने वाली है, ये रिपेयर होने वाली नहीं है, ये फिट है गाड़ी, तो इसको जाके सेल पे लगाते हैं और उन दो को रिपेयर कराते हैं। ऑफिस छोटा है मेरा, ओके दोनों को रिपेयरिंग पे लगा के आते हैं, फिर आके 7 भी बजने वाले हो गए। अच्छा पहले इनको रिपेयर करा लें वरना रात होगी तो फिर अगले दिन इनको रिपेयर कराना पड़ेगा। चलो जितने देर में ये ओपन होते हैं रिपेयर होती है मैं इनको सेल कर लूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उंडे फंडा 25,000 की ली है मैंने और इसको मैं 55,000 की बेचूंगा।
इतनी देर में वो दो भी रिपेयर हो गई हैं, उनको देखते हैं कलर की जरूरत है मतलब पेंट वगैरह उसका रिपेयर कराने की। 7 बज गए हैं, 1 घंटा रह गया मतलब स्टेटस। हाँ इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है पेंट कराने में। वैसे पेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी डैमेज नहीं होनी चाहिए, बस रात भी होने वाली है। अब कस्टमर मुश्किल ही आए। वैसे जिस तरीके से रिपेयरिंग पे भेजने के लिए ऑप्शन है, टो पे भेजने के लिए ऑप्शन है, तो इसका ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि कैसे आप इसको भेज सकते हैं पेंट शॉप पे भी। अच्छा कस्टमर आया है मेरे ख्याल में, यार देखो ना अब ये पता नहीं क्या ग्लिच है, मुझे कस्टमर नजर आया लेकिन अब नहीं है। अब उसको पेंट तो मैं करा नहीं सकता, तो इसको लगाते हैं सेल पे, सुबह उनको कराएंगे। आई एम श्योर सुबह मार्केट भी ओपन होगी। इसको लगा के जाते हैं सेल पे फियाट 22,500 की। चलो वैसे तो भी साफ करनी चाहिए गाड़ियां, लेकिन सोते हैं चल के। डे 11 स्टार्ट होगा, क्या मैं कर सकूंगा 1 मिलियन? क्या मैं 1 मिलियन कर सकूंगा? कमेंट में मुझे अभी बताएं, अभी कमेंट में लिखें कि कर सकूंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी 724,000 है, लेकिन गाड़ियां भी हैं मेरे पास। आज भी ऑक्शन है, लेकिन ऑक्शन ज़रा जल्दी आज, तो इतनी देर में ऑफिस तो ओपन ही है, तो मैं ज़रा उस गाड़ी को पेंट करा लूँ। कस्टमर आया खड़ा है। चलो ये शुक्र है पेंट फटाफट हो जाता है, रिपेयरिंग की तरह नहीं है ये। इसको भेज दो टो पे। ओके हाँ जी, शेवरलेट कोबाल्ट का कस्टमर आया, 9,000 की गाड़ी 16,500, 14,000 की ले जाओ यार, इतने में तो ले ही जाएगा, नहीं इससे कम में तो फायदे ही कोई नहीं। अरे ये किधर जाके खड़ा हुआ घूम के, अच्छा 16,500 की है, 9,000 नहीं यार, तुमने तो बहुत ही कम कीमत लगाई है, शाना ना। ओके ये फियाट 500 मिनी लेने आया, 14,000 14, नहीं यार इतने में नहीं बेचने। अच्छे कस्टमर भी आते हैं, आज थर्सडे है, वो जाने तो चाहिए थे आज, तो सोलह हाँ चलो इसने कुछ कीमत लगाई है, 18,500 ऑफर करते हैं उसको, ले गई 17,000 इसने लगाई थी, 16,995। चलो जी ये उड़े फंडा लेने आया है, सिर्फ डर्टी है यार और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 34,42,500 की दे के ले जाओ, 34,305, अच्छा 38,500 की ले लो, इतने की तो ले ही लोगे। हाँ
हाँ जी साफ सुथरी गाड़ी है भाई, रीजनेबल प्राइस है। 10,000? आर यू सीरियस? चलो इतने में ये लगाते हैं गाड़ी। चलो इसकी भी प्राइस लगा के ना फिर कस्टमर से डील करते हैं। NG5 54,000 की। सो इसको मैं 1,10,000 तक बेच सकता हूँ, लगाते हैं कीमत, देखते हैं क्लाइंट कितना मैक्सिमम लगाता है। ओके ये आई है शेवरलेट की, 11,000-12,000 लगा रही है, तो 14,500 दे दो। पूरे 14,000 अरे 13,500 ठीक है ले गए। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी इनको बेच के ना प्रॉफिट बनाऊं और ये जो कस्टमर्स वाला ग्लिच है ये बड़ा गंदा ग्लिच है। इधर कस्टमर आया और एकदम वो गायब हो गया। अच्छा ये आया जी NG5 का 69,000 85,000 डबल प्राइस है ना? नहीं 69,969। अच्छा मैंने कितनी आप 80,000 दे दो ले जाओ। आप अगर ना गई ना तो मैंने नहीं देनी। हाँ देखा अब ये गाड़ी रह गई है मेरे पास, 2,00,000 हो जाएंगे अभी। आज वैसे मैं गया नहीं हूँ ऑक्शन में, मेरे पास पैसे नहीं थे ऑक्शन में क्या जाना। सो गाड़ी तो क्लीन हो गई है, अब कोई कस्टमर भी आए ना। दो बज गए हैं, इस ये बिके तो फिर मैं जाऊं कल ऑफिस, कल मार्केट ओपन होगी ना, कल गाड़ियां खरीदेंगे 12 दिन को। मेरा नहीं ख्याल 1,000,000 होंगे मेरे से, बट आई विल ट्राई कि सुपर कार इस दफा लूँ, मतलब लैम्बो या फरारी, क्योंकि 2,00,000 तक तो मिल नहीं जानी चाहिए। चलो सेव हो रही है गेम, सेव हो गई है। आ जाओ यार। अच्छा मेरे कुछ बिल भी पेंडिंग है, मैं देख लूँ कितने बिल पेंडिंग है कोई मेरे पर कम है तो। कार के लिए 5,385 नहीं अभी नहीं मैं पे करूँगा, मुझे गाड़ी खरीदनी है। आ जाओ यार जल्दी से। ऑक्शन वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ वरना वो गायब हो जाता। तीन बज गए हैं। ओके कस्टमर ₹19,500 13,500 दे दो। ओके बिक गए। चलो अब मैं ना जाता हूँ कुछ, मुझे ना सुपर कार टाइप, मैं नेबर में जाऊँ नहीं, मेरे ख्याल में मुझे अब सो जाना चाहिए है ना। सो जाते हैं, सुबह मार्केट ओपन होगी ना तो मार्केट से खरीदते हैं गाड़ियाँ, सो जाते हैं अभी फिलहाल ठीक है। ओके तो कार मार्केट ओपन है, चलते हैं।
मेरे पास कितने, 1,87,000। लेट्स सी इस रेंज में कौन सी वाली गाड़ी हो सकती है। यहाँ पे फरारी है, लेकिन आई थिंक फरारी तो बहुत महंगी होगी। अगर एक ये भी मिल जाए ना, 3,39,000। नहीं, लैम्बो, लम्बू ये कितने की होगी, 5,87,000, $6,00 की। अरे नहीं, इतनी अपनी रेंज नहीं है अभी। ये रोंगी R7, ये भी अच्छी गाड़ी है, अच्छे पैसे दे देती है, 45,000। 40,500। ओके, मिल गई, डैमेज होनी है ये, इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, रेड हैचबैक मेरे पास 146 है अभी। यार ये नहीं, इतनी सस्ती भी गाड़ी अब नहीं लेनी। ये देखते हैं, ये मेरे ख्याल में वो है टेस्ला। हाँ टेस्ला, 48,000। 42,500, ठीक हो गया, दो गाड़ियाँ मिल गई। स्टेटस डैमेज है काफ़ी, इसको भी इधर भेजते हैं। ये भी मैंने लेनी है, ये भी अच्छी प्राइस दे जाती है, ये 22,000 तक होगी मेरे ख्याल में, 16,000। वाह, इसको मैं 12,500 ऑफर करता हूँ, मतलब 13,000 के करीब पूरे मैं इसको 13,500 देता हूँ। ओके, स्टेटस इसका, ये भी डैमेज है लेकिन इसको इधर भेज देते हैं। कौन से ने? ये भी वैसे बग रेकर है मेरे ख्याल में, बग रेकर, देखा, ये भी अच्छी गाड़ी है 67 की। ये मैं लेता हूँ 62,500 की, इसमें बैठ के जाएंगे ऑफिस। यस, ये वैसे स्टेटस इसका क्या है, वाओ बचत हो गई। ओके, उन दो को रिपेयर कराते हैं और इसको सेल करते हैं बक रैकर को। आज मेरे ख्याल में मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं फरारी खरीद सकूं, और कल भी मेरे ख्याल में मार्केट प्लेस ओपन होगी। बीटल को इधर ले आते हैं, बीटल भी कहते हैं, फॉक्सी भी कहते हैं, वॉक्स वैगन भी कहते हैं इसको। रोजा होराइजन जो गेम प्ले है ना, उसमें इसको बीटल कहते हैं आई थिंक, उस गेम में मैं वो सीरीज भी सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ पर रोजा होराइजन की। बहुत ही हाई पिच गेम है, मेरा ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा तो नहीं है। ओके, होगी, इसको पेंट की जरूरत तो नहीं है, है जरूर है। ओके, इसको रिपेयरिंग पे लगा देते हैं। रिपेयरिंग कराना जरूरी है, वो पेंट वगैरह कराना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेरा वो प्राइस रेंज वाला भी ओपन अब मैंने करना, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम प्ले तक ना वो भी ओपन हो जाएगा। और इसको भेज देते हैं टो पे, तो ये तो जल्दी रिपेयर हो गया। इसको पेंट की जरूरत है, हाँ वो बहुत ज्यादा पेंटेड है, इसका फैक्ट्री पेंट ही कराएंगे हम। नॉर्मली जो गाड़ियां सेल करते हैं उसके लिए हमें जो है फैक्ट्री पेंट को यूज करना चाहिए रादर देन ओवर ऑन। हाँ, जो गाड़ी हम रखना चाहें अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको आप जो मर्जी पेंट कराएं। ओके, चलो इसको सेल पे लगाते हैं। बाकरे करके साथ लगाए इसको,
थोड़ी सी एक्सपी भी ले लें, इसको भी लगाते हैं, फिर उसको दूसरी गाड़ी को भी ना। सफाई जो है मेरे ख्याल में वो सिर्फ इसकी होती है उसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए, अदरवाइज सफाई इतना मैटर नहीं करती। आप गाड़ी को साफ करें ना करें, क्योंकि सारी बात है क्लाइंट को गाड़ी चाहिए कि पेंटेड ना हो और डैमेज ना हो बस। और हम फैक्ट्री कलर करवा रहे हैं ट्यूनिंग इस ऑटो पेंटिंग से। वैसे इसमें टायर अच्छे नहीं लगे हुए गाड़ी में, ये टेस्ला थी ना। ओके अब इन सब को लगाते हैं हम सेल पे। ओके रोंकी R7 में ली 40,000 की, इसको मैं 85,000 सिंपली लगाऊंगा, बाद में बार्गेन कर सकते हैं हम। टेस्ला को हमने लिया 42 का, इसको मैं लगाऊंगा 92,500 का। वोक्स वैगन 13,000 की है तो 25,500 लगाऊंगा। बक क्रेगर 52 की है तो 92,500। तो अब चलते हैं देखते हैं कि क्लाइंट आते हैं कि नहीं। इतनी देर में एक्सपीरियंस कितना हो गया, एक्सपी थोड़ी सी रहेगी, ये 200 हो जाए तो फिर मैं ये वाली फीचर शोर डिटेल वाली ये अनलॉक करा लूँगा, ताकि गाड़ी की जो ना डिटेल उसी वक्त देख सकें जब परचेज करने लगते हैं। ओके वॉक्स बोटल बीटल ओके देखा सेल, इसने उतने में ले ली, मैंने रीजनेबल प्राइस लगाई थी। किधर आया कस्टमर? अच्छा इसका कस्टमर आया टेस्ला का। टेस्ला अच्छी गाड़ी है 64,000। चलो अगर ये 70 दे देना तो भी ठीक है, मुझे प्रॉफिट है। गई गाड़ी अगर 7 बजे 8 बजे पहले पहले ये गाड़ियां भी बिक गई ना तो मैं फिर वो फरारी लेकर आऊंगा कल के लिए। 92,500 72,700 अच्छा 82,500 दे दो और ले जाओ। 72 इसने लगाई है, 73 लगाई है ऑलमोस्ट। ओह यू गॉट अ डील, यस ओके। रोंग की 85,000 की बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। 49 है, नहीं यार क्या हो गया, इतने कम कीमत में नहीं देनी। 2,00,000 हो गए हैं आई थिंक। ये बिक जाए तो मैं फरारी में जाके देखूंगा कि फरारी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। गाड़ी जब क्लीन हो जाती है तो 4 पॉइंट मिलते हैं, वैसे हर पॉइंट को साफ करने का 1 पॉइंट मिलता है, 1 एक्सपी मिलता है, लेकिन जब आप सारी गाड़ी साफ कर देते हैं तो आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्लीन के। तो गाड़ी आई थिंक मैंने बिल्कुल, कार इज नॉट क्लीन। तो मुझे अब कितने मिल चुके हैं, 212 मतलब 250 चाहिए मुझे नेक्स्ट अनलॉक करने के लिए। चलो आ जाओ ना यार जल्दी से आ जाओ क्लाइंट यार आ जाओ, मैंने खरीदनी है जाके गाड़ी फरारी ताकि अच्छा प्रॉफिट मिले। 6 बज गए हैं यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वरना आ
आ गया कस्टमर, आ गया कस्टमर, इसको मैं दे दूंगा, इसको दे दूंगा मैं, मुझे अब फरारी खरीद के लानी है। 85 अगर 70 तक भी गिर गई ना, 55 ओके, 65,000 इसने अच्छी कीमत लगाई है, 55 अच्छा 60,000 ले जा यार, इतने में तो ले ही जाएगा। ओके तो 263,000 हो गए मेरे पास, अब जल्दी से चलते हैं और फरारी खरीद के लाते हैं। ओके आई थिंक फरारी 273,000 की कह रहा था ना, 273 की, कितने की कह रहे थे फरारी, 339,000 की। अच्छा इसको मैं 260,000 की ऑफर लगाता हूँ, 260,000 की, 263,676 जो मेरे पास हैं सारे ले लो, मैं पैदल जाऊंगा सोने के लिए। नहीं ये नहीं मिलेगी, शिट, चलो कल कोई देखें, कल जब नेक्स्ट 26,000 बारगेन करो, 22,000 स्टेटस साफ है गाड़ी, इसको इधर भेज देते हैं। हैचबैक 12,000 बारगेन, 10,000 चलो ये भी मिल गए। ये गाड़ी डैमेज भी है, काफी डैमेज है यार, तो मैं इसको रिपेयर वगैरह नहीं करा रहा, मुझे फरारी खरीदनी है। कल भी मार्केट ओपन होगी या कल ऑक्शन होगा, आई थिंक कल ऑक्शन होगा। बेतालीस हजार दो सौ एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चलो अब चल के सोते हैं। ओके आज भी ऑक्शन है, चलो है ऑक्शन में भी हम जा सकते हैं, ऑक्शन 12 बजे है, जल्दी है ऑक्शन, चलो ऑफिस चलते हैं, जो गाड़ियां हैं उनको बेचते हैं, होपफुली जो ना ऑक्शन में अच्छी गाड़ियां हैं, और ऑक्शन में बारह बजे है ऑक्शन, आज जाऊंगा ऑक्शन में। कस्टमर आ गए, इधर है, अरे यार ग्लिच, खड़ा कस्टमर, ओके
ये होंडा स्टेप लेने आई है गाड़ी 45,000 35,000 ओके 38,500 ले जाएगी। फिर अटकी 2,70,000 हो गए। आज डे 13 है, कल लास्ट डे है। क्या मैं $1,000,000 कर पाऊंगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं होंगे, मैं पहले ही हिम्मत हार चुका हूं। कस्टमर आ गया इसका, चलो बात करते हैं इससे। काफी डैमेज और 35% डैमेज भी है। चलो आई शैल पे द प्राइस 12,500। चलो ले जाओ ले जाओ। चलो चलो, 12, 9, 10 हो गए। मार्केट प्लेस में चलते हैं, नहीं नेबरहुड में, यहाँ से कोई गाड़ी देखते हैं, कोई अच्छी गाड़ी मिली या से। ओ सुप्रा, सुप्रा ये तो लेनी है, सुप्रा तो लेनी है। 69,000 59,500 10,000 का तो डिस्काउंट देना बनता ना। ओके, इसी में बैठ के चलते हैं हम मार्केट प्लेस पर। यस, अरे कैसे पटाखे मार रही है गाड़ी। बच गया, मार्केट आएगी अभी। दस बज के अभी ना मैं जाके देखता हूँ कि गाड़ियां कौन कौन सी हैं मार्केट प्लेस पे। वो जो ट्रिक है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। शिट, अरे ये क्या हो गया इसको? कार ब्रो, ओए ब्रोक डाउन हो गई है गाड़ी। शिट, वो बहुत ज्यादा डैमेज ही, मैंने चेक ही नहीं किया, सॉरी। चलो खैर, मैं इसको रिपेयरिंग पे लगा के ना फिर जाता हूँ ऑक्शन पे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इसको रिपेयर करो, फिर मैं जाता हूँ ऑक्शन पे। $1,700 मैंने चेक नहीं किया कि गाड़ी डैमेज थी। चलो चलो चलो, अब ऑक्शन में हम पहुंच जाएंगे। और $2,27,000 है मेरे पास, तो अच्छी गाड़ियां हो, होपफुली ऑक्शन में अच्छी गाड़ियां हो। $300 का तो हर टिकट होगा। 57, 58, 59 पहली गाड़ी आ गई। ये कौन सी है? फरारी है, मर्सिडीज कूप, अच्छी गाड़ी है। ओके 54,000 इसकी है और डैमेज भी नहीं है, तो ये 65-70,000 तक होनी चाहिए। $67,000 मैंने ऑफर लगा दिया, इतने में दे देगा। ये तो कौन सी है? स्टेशन वैगन, डैमेज है, पेंटेड भी है, 7,000 की लेनी चाहिए। ले लेते हैं, फिर एक्सपी मिलेगी। वैसे मेरी एक और एक्सपी अनलॉक हो चुकी है जिससे मैं गाड़ी की डिटेल भी देख सकता हूँ। और 10,000 इसकी अच्छी कीमत है वैसे, 1989 मॉडल है। 11,000 हो जाएगी। जल्दी करो यार, जल्दी करो जल्दी करो, ऑक्शन ख़त्म करो। वैसे मेरे पास अब सुप्रा जो रिपेयर हो जाएगी तो उसको भी सेल करके अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये भी तो नहीं है कहीं वही सुप्रा लॉर्ड, ये भी अच्छी गाड़ी है, लॉर्ड मस्तंग, डैमेज भी नहीं है। ये भी लेनी है मैं। ये 40 तक अच्छी गाड़ी है, 35 से 40 के दरमियान। हाँ ठीक मिल गया। फरारी, ऑडी ये तो नहीं मैं ले सकता, 3,87,000 नहीं, ये तो नहीं मैं ले सकता इसका। तो चलते हैं, एक मिनट, स्किल अनलॉक हो गई है ना, ये वाली करें, ये वाली करते हैं अनलॉक, वो अभी रहने देते हैं। ज़रा फास्ट वॉश हो जाएगी, उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी स्किल मिलेंगी।
तो मैं जो डैमेज हो गई है ना कार, रिपेयर हो गई है सुपरा, उसको मैं जरा ना लगा दूं। होपफुली रिपेयर हो चुकी होगी। हाँ देखा, रिपेयर हो चुकी है, ऑक्शन अभी जारी है। ओके चलो जी, पेंट भी हो गया। पटाखे मार रही है। चलते हैं अब उन गाड़ियों को भी लेकर आते हैं। एक गाड़ी इसमें से रिपेयरिंग के लिए रखनी है, और एक हम टो पे भेज देंगे। तो आज कितने हो गए हैं पैसे? हाफ का मिलियन तो हो ही जाएंगे। ये डैमेज नहीं है ना, इसको टो पे भेज देते हैं। ये वाली डैमेज है, इसको रिपेयरिंग पे भेज देते हैं। ये मस्तंग है ना, ये भी नहीं डैमेज है, इसको भी चला के लेके जाते हैं। इसको जल्दी जल्दी सेल करते हैं गाड़ियों को। वाह, ये तो सुपरा से भी ज्यादा पटाखे मार रही है। इसको सुपरा के साथ ही खड़ी करते हैं। ये तो सुपरा से भी ज्यादा पटाखे मार रही है। नहीं, मस्तंग तो ये है ना, मस्तांग गाड़ी तो ये है ना। वो कौन सी है जो मैं लेकर अभी आया हूँ? मस्ट स्कूप। अच्छा हाँ, 5 बज गए हैं। गाड़ियां दोनों बेचनी है, तीनों मुझे। इसको मैं ज़रा रिपेयरिंग पे दे दूँ। वैसे इतनी ज्यादा रिपेयर होने वाली नहीं थी। खैर चलो, अब इनको सेल करते हैं। होपफुली, चलो 1 मिलियन तो नहीं हो सके, हाफ अ मिलियन तो हो ही गए। चलो नेक्स्ट गेम प्ले में हम कर लेंगे बाकी। तो टोयोटा सुप्रा 85,000, मस्ट स्कूप 92,500, लॉर्ड मस्तैंग 82,500, और अब साफ भी तेज तेज होगा। देखा, वो मैंने इसीलिए वो ले लिया कि जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस मिले। चलो क्लाइंट आ जाओ यार, कस्टमर आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। वैसे सुपरा की मैंने 1 लाख से ज्यादा नहीं ना लगाई कीमत। लास्ट डे है। चलो ये दोनों क्लीन हो गए हैं, इसका भी आ गया कस्टमर। बाकियों का भी आ लेने दो। चलो गाड़ी मैंने साफ किया है आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 49, अरे नहीं, इतने में तो नहीं बेचनी, इतने में तो नहीं बेचनी, 49 में तो नहीं बेचनी। गाड़ियां साफ हो गई ना सारी। एक्सपी कितनी है मेरे पास अब? 71, मुझे 250 चाहिए ताकि ये वाला मैं फीचर अनलॉक कर सकूं। जल्दी 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 जल्दी। दो तो देखा, एक क्लाइंट गिलिच कर गया, एक कस्टमर। टोयोटा सुपरा 85,000 रीजनेबल प्राइस लगाई है, मैं ले जाएगा यार। मैंने वैसे कम नहीं, डोंट सेल।
मैंने कम प्राइस लगाई है, 85,000 सुप्रा की। रिमूव टोयोटा सुप्रा, 99,999। कम कीमत लगाई है मैंने, 7.5 हो गए हैं। जल्दी से इसको पेंट कराते हैं सुबह। अब मुझे हर हाल में मैक्सिमम करने हैं सुबह, 1 मिलियन नहीं, मुश्किल है। जल्दी करो जल्दी करो, 55। ओ जल्दी करो, ओ शिट लेट हो गया मैं। चलो हो सकता है कस्टमर तो आए हों, कोई कस्टमर कस्टमर नहीं, नहीं कस्टमर कोई नहीं। चलो सोते हैं सुबह। अब मुझे मैक्सिमम करने हैं, कंटेनर में चल के सोते हैं। फरारी या मिल जाए ना लैम्बोर्गिनी के, 5-5.5 लाख सुबह होगा मेरे ख्याल में मार्केट प्लेस ओपन। यस, अब सुबह फरारी मिल जाए या मर्सिडीज मिल जाए, लैम्बोर्गिनी मिले ना तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, 1 मिलियन वाला जो करीब तरीन तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। चल यार जल्दी से इसको पेंट करो, अब इसको भेज दो टो पे। आ गया, ओ देखा यहाँ पे कस्टमर आया और यहाँ से ग्लिच हो गया, गायब हो गया। आपने देखा, और यहाँ से खत्म नहीं हो रहा कि कस्टमर इन द ऑफिस, या फिर उसको जगह नहीं मिलती क्या, मुझे नहीं पता इसका क्या हिसाब है। कार क्लीन हो गई है, अब बड़ी जल्दी हो रही है क्लीन। वैसे कल ये बिक रही थी 85,000 की सुप्रा, मैंने नहीं बेची, वरना आज मैं जाके मार्केट प्लेस से अच्छी गाड़ी ले आता। चलो चलो चलो, किस गाड़ी के लिए आई हो? मर्सी स्कूप के लिए। ले गई, अच्छे अच्छी अच्छा क्लाइंट था, अच्छा क्लाइंट था। 52,50, 58,500 दे दो तो ले जाओ। चली गई। अब ये गाड़ी भी तकरीबन मुझे लगानी चाहिए थी 1.5 लाख तक, तो ताकि मैं बारगेनिंग कर सकूं। खैर देखते हैं, अभी इसको भी लगाते हैं। वैसे ये गाड़ी बड़ी प्यारी बनी हुई है, इसके टायर बड़े जबरदस्त लगे हुए हैं। ओके, कितने की ली है ये मैंने? 11,000 की, तो 22,500 की मैं बेच दूंगा। ओके, सुप्रा का क्लाइंट आया, होपफुली ये 99,999 में ले लेगा। 68, अरे नहीं यार, 88 तो मुझे मिल रहा था इस गाड़ी का। डैमेज भी नहीं है, रिपेयर्ड भी नहीं है, सुप्रा का भी आया हुआ क्लाइंट। ओके, 22,500 मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस लगाई है। ले जाओ ले जाओ, 14,000 नहीं यार, इतने में नहीं देंगे। अच्छा आप भी हैं, 14,000 इसकी कीमत लग चुकी है, लेकिन उतने में नहीं देनी, उससे ज़्यादा लगाओ। अरे इसने तो उससे भी कम लगाए हैं। 88 मुझे मिल चुका है, 85 इसका मुझे मिल चुका है, उससे ज़्यादा लगाओगे तो मैं सोचूंगा। हाँ, 95,500। ओके, ले गया, 3,59,000। अब मुझे फरारी मिल जाएगी,
13,500। ओके ऐसा करो 16,500 दो और ले जाओ उसको, ले जाओ इतने में। अरे नहीं यार इतने कम में नहीं देनी मैंने, 13,000 13,000 13,000 14,000 लग चुकी है। इसने लगाई है सही, 16,500 16,000 ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ 15,800। ओके ले गए, चलो जी अब मार्केट प्लेस चलते हैं और खरीद के लाते हैं फरारी, या फरारी मिलेगी अगर, या ऑडी या सुप्रा कोई सी भी मिले। लेट्स सी लैम्बोर्गिनी तो नज़र आ गई है मुझे, अरे नहीं यार फरारी नहीं है, लैम्बो तो बहुत महंगी होगी। 3,75,000 मेरे पास, ओए 3,72,000 बार्गेन, 2,50,000 2,85,000 2,90,000 ये तो बिल्कुल रीजनेबल है। ओके तो इसने मांगे हैं 3,72 3,25,000 ओके यू गॉट द डील। अब ये डैमेज कितनी है वो देखना है, काफ़ी डैमेज है। खैर कोई बात नहीं इसको भेज देते हैं रिपेयरिंग के लिए, मेरे 50,000 है, एक गाड़ी और ले सकते हैं, ये वाले लेते हैं NG5 50,000 में मिल जाएगी 49,000 का। इसको हम 42,500 कहते हैं क्योंकि रिपेयर भी तो करानी है ना। ओके मिल गए, लेट्स सी पहले के कितनी डैमेज है, चलो इसको भेज देते हैं इधर। ये कौन सी है, ये तो नहीं मिलेगी, बकरेगर 7,000 की तो नहीं मिलेगी, ये तो बहुत महंगी है। ये मिल जाएगी होंडा सिविक है ना मेरे ख्याल में, होंडा CX है, सिविक नहीं CX, 9,000 की है ना, 6,250 की देनी है तो दे दो 6,500। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देने, मैंने रिपेयर भी करानी है गाड़ियाँ, नहीं चलो एक बज गया, मुझे उनको रिपेयर करा के बेचना भी है ना। कितने की बेच सकता हूँ मैं लैम्बोर्गिनी, आई थिंक 7,00,000 तक तो बेच सकता हूँ। ओके $1,000 की ये, $420 की ये बेच। ओके इतनी देर में ना इनको साफ करते हैं, ताकि कुछ एक्सपीरियंस भी मिले ना। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, नहीं मेरी नहीं खड़ी, अरे ये मेरी गाड़ी खड़ी है, नहीं मैं भी जाऊं अगर मेरी होती तो वो सफाई तो करता ना सही। ओके ये भी हो गया, जल्दी जल्दी इसको भी पेंट कराते हैं। इसकी थोड़ी ट्यूनिंग शूनिंग भी कराते हैं ताकि ये 8,00,000 तक तो बिके ना। इसको नहीं अच्छे लगे हुए,
लेट्स सी रेसिंग किट, ये भी सस्पेंशन इसका थोड़ा सा और नीचे करते हैं क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना इसका, वो इस लाइट्स इसकी ठीक है। व्हील इसमें ये वाला लगाते हैं, ये अच्छा है। नंबर प्लेट PGZ, PK गेमिंग जोन लगा देते हैं, और ये वाली यूज करते हैं, ये वाली। ओके, और इसको अब सेल पे लगाते हैं, 5 बज गए। इसको भी लेकर आते हैं, पहले इनको लगा लें। 6 बज गए हैं, और लैम्बोर्गिनी मैंने खरीदी 3 लाख, और इसमें मैं बेचूंगा 7,85,555, और एनजी को मैं बेचूंगा 80,90,500। अब इनको साफ कर लेते हैं, होपफुली 8 बजने से पहले पहले कस्टमर आ जाए। ओके, 90,500। ओके, बार्गेन 82,500 ले गया। ये तो साफ हो गई है ना, 82,500 की मैंने बेची है ना। हाँ, मुझे बार सफा याद ही नहीं रहता, जो जीरो है मैं मिस तो नहीं कर गया। 7 बज गए, एक क्लाइंट आ जाए, एक क्लाइंट मेरे ख्याल में अच्छी कीमत दे देगा, और कम ऑन। तो ये गाड़ी मेरे पास खड़ी है, कितने वाली, कितने बिकने वाली, 7 लाख, 8 लाख, ये 9, मतलब 1 मिलियन तो मैंने कर ही लिए हैं। इतनी देर में मैं चलता हूँ कोई गाड़ी, 7:38 हो चुके हैं, कार मार्केट में चलते हैं, अगर कोई कस्टमर आ गया तो वो 47 काफ़ी टाइम है। ये गाड़ी बैक रेकर लेनी है, 57,500। ओके ओके, कम ऑन। ओके, मिल गई। अरे आगे निकल। इसको भी लगाते हैं हम, इसको डैमेज तो है, 23% डैमेज। चलो इसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लगाएंगे। सो चलते हैं, और आज 14 डे की नाइट है, आज 14th डे की, तो मैं इस गेम को यहीं पर ख़त्म करता हूं। और मैंने कोशिश की थी 1 मिलियन कर लूं, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 7 मिलियन तक तो हो ही गए हैं। सो नेक्स्ट में गेम प्ले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।